नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम BSc फाइनल ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या फिर पेनक्रियास ग्लैंड। जैसा कि आप जानते हो, हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी एंडोक्राइनोलॉजी की जो बुक है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड की स्टडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। उनका निर्माण कैसे होता है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया जा चुका है। और आज हम बात करेंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं कह दो या फिर पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। Isolates of Langerhans, isolates of Langerhans oblique pancreas gland। देखो, isolates of Langerhans या pancreas gland को बताने से पहले हम तीन बातों को अच्छे से जान लेते हैं। हमने जब मानव के अंदर ग्रंथियां पढ़ी थी तो हमने तीन प्रकार की ग्लैंड पढ़ी थी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरी जो होती है वो होती है मिक्स्ड ग्लैंड। अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड को हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां जो एक्सोक्राइन रूप में भी वर्क करती हैं और एंडोक्राइन सिस्टम के रूप में भी वर्क करती हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पेनक्रियास ग्लैंड की, तो देखो, तो जो पेनक्रियास ग्लैंड है ये किस प्रकार की ग्रंथि है? इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। पेनक्रियास ग्लैंड जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। इसके अलावा इसका नाम जो है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्यों रखा गया, क्योंकि डिस्कवर्ड बाय, इसके खोजकर्ता जो है वो कौन है? लैंगरहैंस है। इसके खोजकर्ता जो है वो कौन है? लैंगरहैंस। अगर हम बात करें पेनक्रियास ग्लैंड की या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, तो देखो पेनक्रियास ग्लैंड या लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं, इट इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड, यह एक प्रकार की पाचक ग्रंथि है। इट सीक्रेट्स इसके द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? डाइजेस्टिव जूसेस। इट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब कि इसके द्वारा पाचक रसों का स्त्रावण किया जाता है, नॉन एज जिसको हम जानते हैं पेनक्रियाटिक जूस के नाम से, पेनक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं। अग्नाशय रस, अग्नाशयी रस। देखो, हमने क्या बात की कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या पेनक्रियास ग्लैंड जो होती है ये एक मिक्स ग्रंथि है। इसके डिस्कवर्ड करता कौन है?
लैंगरहैंस जो है वो इन्होंने इसकी खोज की, जिस कारण इनको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। इट इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड, यह एक पाचक ग्रंथि मानी जाती है, बिकॉज ये एक एक प्रकार के डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती है, जिसे हम जानते किस नाम से हैं, पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पेनक्रियास ग्लैंड जो है ये कहां पाई जाती है, किस कलर की होती है। तो देखो, पेनक्रियास ग्लैंड जो होती है इसका अगर हम कलर की बात करें तो यह रेड कलर की होती है। देखो, अगर हम पेनक्रियास ग्लैंड की बात करें तो अगर हम इसके कलर की बात करें तो सॉरी, यह पिंक कलर और लाइट येलो कलर की होती है। पिंक कलर और लाइट येलो कलर की होती है। यदि इसके वेट की बात की जाए, यदि इसके भार की बात की जाए, तो इसका भार जो होता है 85 ग्राम होता है, यानी कि 85 ग्राम जो है इसका वेट होता है। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ जो होती है 12 सेंटीमीटर के लगभग होती है। लेंथ जो है इसकी कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और यदि हम इसके शेप की बात करें तो इसकी शेप जो होती है वो अनियमित आकार की होती है, अनियमित प्रकार की होती है या अनियमित प्रकार की होती है। और यदि हम कहें कि तो जो पेनक्रियास ग्लैंड या जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसमें मैनी लोबेड होती है, मतलब कि बहुत सारे पालियां पाई जाती हैं। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उनमें विभिन्न प्रकार की पालियां पाई जाती हैं, यानी मैनी लोबेड होती हैं। और इन पालियों के मध्य में संयोजी ऊतक में, कनेक्टिव टिश्यू में, इन पालियों के मध्य में जो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो पाए जाते हैं, उनमें कुछ विशेष प्रकार की, देखो उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इन समूहों को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। देखो कहां पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि हमारी उदर गुहा में आमाशय के पीछे स्थित होती है। कहां पाई जाती है, तो ये हमारे उदर गुहा में आमाशय या स्टोमच रीजन जो होता है उसके पीछे पाई जाती है।
आखिरी बार कि पेंक्रियास ग्लैंड की कि कैसे कलर की होती है, वेट कैसा होता है, लेंथ कितनी होती है, शेप कैसी होती है। अब हम बात करते हैं देखो इसकी स्ट्रक्चर की। यदि बात की जाए कि जो इसकी स्ट्रक्चर की, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियास ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियास ग्लैंड के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार की लेयर्स पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है पेंक्रियास ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी प्रकार की होती है, क्योंकि यह एक चपटी से रंग की, यह एक चपटी रंग चपटी ग्रंथि है, यानी यह एक चपटी ग्रंथि है जो कि हमारे ड्यूओडेनम रीजन में पाई जाती है, ग्रहणी वाले रीजन के अंदर पाई जाती है। मैंने कहा अमाशय के पीछे की तरह ड्यूओडेनम रीजन में पाई जाती है। यदि इसकी टीएस की बात करें, यदि इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें, तो इसकी जो कटिंग है वो हमें कुछ हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है इसके अंदर। यदि हमने इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। ये जो फ्लोवर लाइक स्ट्रक्चर है ये हमें देखने को मिलती है इसके मिड पार्ट में, यहां पे हमें कुछ इस प्रकार की सेल्स मिलती है जिनके अंदर, जिन्हें हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहां पे जो सेल्स पाई जा रही हैं इन्हें कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इस स्ट्रक्चर के अंदर तीन प्रकार की सेल्स मिलती हैं। इनको मैं थोड़ा कलर्ड कर देता हूं। Thank you.
ये तो है अल्फा सेल्स, ये जो है ये है बीटा सेल्स, और ये जो ग्रीन कलर की है इनको बोला जाता है डेल्टा सेल्स। अग्नाशय ग्रंथि की अनुप्रस्थ काट का जब अध्ययन किया जाता है तो आपको तीन प्रकार की सेल्स दिखाई देती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और यहां पे डेल्टा सेल्स, यानी कि अल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल्स हैं ये यहां पे पाई जाती हैं। और यदि हम बात करें इनके बीच के अंदर कुछ विशेष प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये जो है ये है ब्लड वेसल्स, देखो हमने बात की और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मिड पार्ट को हमने कहा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जबकि इस मिड पार्ट के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हमने अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स कहा। ये ही वो सेल्स हैं जो कि ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं, और जो आपकी बची डेल्टा सेल्स ये यहां पे विशेष प्रकार के जो डेल्टा सेल्स हैं सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं, सोमेटोस्टेटिन। आपने स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियास ग्लैंड की बात की तो यहां पे हमने बात की ये पेंक्रियास ग्लैंड की स्ट्रक्चर है, ये है पेंक्रियास ग्लैंड की स्ट्रक्चर। जब इसके ट्रांसवर्स सेक्शन की बात की जाए टीएस ऑफ पेंक्रियास, टीएस ऑफ पेंक्रियास ग्लैंड की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आती है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो सेल्स हैं वो आपको दिखाई देती है। तो अब यहां पे बात करते हैं हम कि जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इसके अंदर आपको कितने प्रकार की सेल्स दिखाई दे रही हैं, तीन प्रकार की। तो देखो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन प्रकार के जो कोशिकाएं दिखाई देती हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन प्रकार की कोशिकाओं के अंदर सबसे पहली जो कोशिकाएं होती हैं की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहली है अल्फा सेल्स, दूसरी है बीटा सेल्स, और तीसरी जो है वो होती है डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का 25% भाग जो है, 25% भाग जो है वो अल्फा सेल्स बनाती है। बीटा सेल्स जो होती है 65% आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का भाग बनाती है। डेल्टा सेल्स जो है वो 10% भाग जो है वो बनाती है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। तो वन बाय वन हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स क्या होती है, अल्फा सेल्स वे सेल्स होती है जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का 25% भाग बनाती है, और ये जो सेल्स होती है ये कणिका युक्त होती है, ये सेल्स
आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की दीपिकाओं का 25% भाग बनाती है ये सेल्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का 25% भाग बनाती है तथा इन सेल्स में विशेष प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, यही वो सेल्स हैं, यही वो सेल्स हैं जो कि ग्लूकेगोन नामक हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं। हमने ज्यादातर ये पढ़ा है कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके द्वारा दो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, जिसमें एक होता है ग्लूकेगोन और दूसरा होता है इंसुलिन। अर्थात यह हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ग्लूकेगोन हार्मोन जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का जो काम है वो कौन सा हार्मोन करता है, वो ग्लूकेगोन हार्मोन करता है। दूसरी की हम बात करते हैं बीटा सेल्स, दूसरी सेल्स जो है वो है बीटा सेल्स। ये सेल्स लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का सिक्सटी 65% भाग बनाती हैं। ये सेल्स लैंगरहैंस के दीपिकाओं का 65% भाग बनाती हैं और इन हार्मोन में इन कोशिकाओं में ये सेल्स भी कणिका युक्त होती हैं, ये सेल्स भी कणिका युक्त होती हैं तथा इन्हीं सेल्स के द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। इन्हीं सेल्स के द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है और ये सेल्स जो होती हैं आकार में बड़ी व संख्या में अधिक होती हैं। ये सेल्स आकार में बड़ी व संख्या में अधिक होती हैं। तो यहां पे हमने बात की कि बीटा सेल्स जो होती हैं इंसुलिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं और इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है।
इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। लास्ट जो है वो है डेल्टा सेल्स। ये सेल्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का दस प्रतिशत भाग बनाती है एवं इन सेल्स के द्वारा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। देखो ये सेल्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का 10% भाग बनाती हैं और इन सेल्स के द्वारा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावण किया जाता है। जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ये सेल्स आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। ये सेल्स आकार में छोटी होती है, जबकि जो बीटा सेल्स होती है वो आकार में किस प्रकार की होती है, बड़ी होती है। डेल्टा सेल्स जो है वो लैंगरहैंस की दीपिकाओं का सिर्फ 10% भाग ही बना रही है। अब हम बात करते हैं, हमने तीनों के बारे में बात की कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती है और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का कौन सी सेल्स कितना प्रतिशत भाग बनाती है। अब यदि बात करें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर तो वन बाई वन हार्मोन्स की, तो देखो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं उनकी हम वन बाई वन बात करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, कहने का मतलब है हार्मोन सीक्रेटेड बाय पेंक्रियास ग्लैंड जिसमें से सबसे पहला हार्मोन है ग्लूकेगोन। सबसे पहले हार्मोन की बात करते हैं ग्लूकेगोन, तो देखो ग्लूकेगोन हार्मोन का सीक्रेशन कौन सी सेल्स करती है, अल्फा अल्फा सेल्स के द्वारा इसका स्रावण किया जाता है। अल्फा सेल्स के द्वारा जो ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है और यह हार्मोन ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। यह हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है या परिवर्तित करता है। तो देखो ग्लूकेगोन हार्मोन है ग्लाइकोजन को चेंज करता है, किसमें, ग्लूकोज में चेंज करता है और यह वसीय अम्लों और अमीनो अम्लों से ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया द्वारा ये फैटी एसिड्स व अमीनो अम्लों से ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज के संश्लेषण को प्रेरित करता है। डायरेक्ट वे में कहें तो सीधा सा हम कह सकते हैं ग्लूकेगोन हार्मोन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है।
अर्थात रक्त में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। यह हार्मोन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। अगर हम बात करें कि जो ग्लूकेगोन हार्मोन है इसका निर्माण कितने अमीनो एसिड से होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो देखो इसका जो इसका निर्माण 29 अमीनो अम्लों से मिलकर होता है और इसका अणुभार जो है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो है, इसका अणुभार की बात की जाए तो 3450 जो है वो इसका अणुभार होता है, 3450 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहां पे हमने बात की ग्लूकेगोन हार्मोन की। अब हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन देखो, इंसुलिन बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित हो, देखो यह बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है और यह हार्मोन ग्लूकेगोन के विपरीत कार्य करता है। अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है बनाए रखता है, मतलब नियंत्रित करता है या फिर बनाए रखता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है या फिर ना। यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है और यह हार्मोन जो होता है यकृत में, यह हार्मोन यकृत में ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। तीसरा हार्मोन हमारा लास्ट है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन देखो, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण जो है वो डेल्टा सेल्स के द्वारा किया जाता है। डेल्टा सेल्स के द्वारा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावण किया जाता है और सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है इंसुलिन तथा ग्लूकोगोन के स्राव में निरोधक की भांति कार्य करता है। यह हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन के सिक्रेशन में या स्रावण में निरोधक या इनहिबिटर की भूमिका निभाता है, निरोधक की भूमिका निभाता है। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने स्टडी की कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस क्या होती है, यानी लैंगरहंस की उद्दीपिकाएं क्या है, या फिर हम बात करें कि पेनक्रियाज ग्लैंड जो है, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं साइड में, वो किस प्रकार की होती है, उससे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो
तो आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक इंसुलिन हार्मोन के फंक्शन, ग्लूकेगोन हार्मोन के फंक्शन, सोमेटोस्टेटिन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी सेल्स के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। तब तक आप इसकी स्टडी ढंग से करते रहें, इसके बाद हम इससे आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।